अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं एक नए दिन के साथ। आप कहेंगे दो दिन से कहाँ गायब थी। आपको पता है अभी पिछले दिनों से -5 चल रहा है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं तबीयत ख़राब में नहीं आ सकती थी। तो इंशाल्लाह आज आपसे अपनी रूटीन शेयर करेंगे और दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए। अभी तो मैं जा रही हूँ इन बालों की कटिंग कराने और आपको दिखाऊंगी। मेरी बहुत अच्छी एक भाभी है, बहन है हमारी, वो हमारी कटिंग करती है, तो हम उधर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कहाँ से हम कटिंग कराते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। फ्रॉस्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये -6-7 है और ये आइस है और ये बड़ी गंदी आइस है। मैं आपको और दिखाती हूँ। ऐसे गाड़ियाँ यहाँ पे जमी पड़ी हैं और इनके खुलने के कोई आसारात नहीं है। इवन इनके दरवाजे भी स्ट्रक हैं और ये ज़मीन पे इतनी गंदी आइस जमी हुई है कि आपकी सोच भी नहीं है। और धूप का तो ना ही पूछे, धूप में भी बर्फ़ है और इस वक्त -4 है और बहुत बुरी हालत है। फिर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं निकल पड़ी हूँ, हम जा रहे हैं। मैंने बताया ना, मैं बाल कटवाने जा रही थी, हेयर कटिंग करवाने, और इतनी स्नो है। ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, अल्लाह, इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। ऐसे लगता है कि जो बंदे का फेस है वो भी जम जाना है। बाहर अगर हम निकलते भी हैं ना तो ऐसे लगता है कि उंगलियाँ जो है ना वो जम जाएंगी। मींस कि अगर मैं गाड़ी चलाने लगी ना, मुझसे सीट पे भी नहीं बैठा जा रहा और हैंडल भी नहीं पकड़ा जाया जा रहा, इतनी सर्दी है। -4-5 बहुत ज्यादा होता है। रात को -7 था, 7 शो हो रहा था। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मेरे फिर मेरे साथ बने आ गए हैं। अब जा रही हूँ मैं अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी थोड़ी करके क्योंकि ये बाल कटिंग भी जो है ना बड़ी जबरदस्त चीज होती है, बंदे की शख्सियत ही बदल देती है। मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी मेरे बालों की कटिंग है, अभी होनी है क्योंकि ये कटिंग आउट हुई हुई है, तो मैं थोड़ी सी करवाने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग के बाद। बाल काट लिए अपने और ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बाल। आप कहेंगी ये छोटे क्यों करवाती है, मैं शुरू से ही ऐसे बालों का स्टाइल रखती हूँ, आज का नहीं बहुत पहले का। तो बस मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैं आई हुई हूँ गुड्स में अपना हेयर कलर लेने। मैं अपने बाल भी कुंडाई करने लग गई हूँ, अपना काम खुद आना चाहिए और अच्छी बात होती है। बाल मेरे काफ़ी ख़राब हो गए हैं, अभी कटिंग करवाई है, देखो अभी जाके इनको मैं सेट करती हूँ। और अच्छी बात है, बालों को सेट रखना चाहिए। कुछ फेस का सामान लेना था, ले लिया है। और कुछ चीज़ें मैं लग रही थी तो अब देख रही हूँ, चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी आई हुई हैं। तो बस फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। ये भी शॉपिंग हो चुकी है और मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। और ये मेरी शॉपिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग में निकलना भी ना एक अजाब होता है। एक काम ख़त्म करो, अभी मैं सुपर ड्रग आई हुई थी तो बस मैं चीज़ें खरीदनी थी, मैंने कहा चलो खरीदते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे हेयर कलर हो गया जो मैं यूज़ करती हूँ, सीक्रेट है, नहीं बता सकती जो मेरा नॉर्मली डाई का कलर है वो मैंने लिया है। बस अब मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ से। और शैम्पू ख़त्म हुए थे और घर की छोटी छोटी कॉस्मेटिक्स जो होती हैं, सबकी अपनी अपनी कॉस्मेटिक्स होती हैं, तो वो मैं सबकी ले लूँ के ये थैला भर के, पीछे गाड़ी आ रही है वो मैं उड़ा दे मुझे। और ये जो है ना, बस अब हम, मैंने कहा किसी की तस्वीर ना आए भाई, अच्छी बात नहीं होती। और ये हमारा थैला है पूरे का पूरा, ये हमारा पूरा बैग है। और मैं अब गाड़ी दिखाती हूँ कितनी फ्रोज्ड हुई हुई, देखो। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जनाब हालात हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। ये हमारा दोपहर का लंच रेडी हो रहा है, ये हमारी गरम गरम चाय क्योंकि बाहर -4-5 है इस वक्त। और ये मैं फ्रेश चिकन लेके आई हूँ, इसने खाना है, वो स्लाइस में रखेगा, सूखा खाएगा, जैसे भी खाना है। इस वेली जमी ये मेरी, मतलब आप सोच नहीं सकते ये मैंने जो मसाला लगाया कितना मज़े का। इसकी रेसिपी जो मैं किसी दिन शेयर करूँगी, अभी जो मैं छोटी सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मज़े की बात बताऊँ, वो मेरी रेसिपी नहीं है, वो मेरी एक प्यारी सी भाभी की रेसिपी है। ये हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और इसके अंदर हमने नमक मिर्च डाला है और ये हमने दो अंडे फेंक लिए हैं। अब हम आपको थोड़ी देर तक दिखाएंगे कि हम इनके साथ क्या करने लगे हैं और फिर आप देखना, ईजी एंड क्विक रेसिपी, चीज़ें वो बनाएं और वो रेसिपीज दें जो यहाँ के लोग इजीली खा सकें, बना सकें। स्पेशली हम जैसे लोग जो बाहर भी काम कर रहे हैं, घर भी काम कर रहे हैं, चीज़ हमारा पता नहीं होता, एक मिनट में बाहर है, एक मिनट में घर है,
तो ये साथ मैं दे रही हूँ चिकन की स्ट्रिप्स सबको, और ये तो इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। ये मैं बना रही हूँ जैसे प्रॉन टोस्ट होता है, मैं बना रही हूँ चिकन मिन्स टोस्ट, और वो आपको मैं दिखाऊँगी इस क्विक। ये दो अंडे हैं इसके अंदर, मैंने इसको फेंक लिया है। ये आधा किलो कीमा है इसके अंदर, मैंने नमक डाला है, खसरा जायका और मिर्च का पाउडर मीन्स के चिली पाउडर, और इंतहाई मज़ेदार है, और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मेरे साथ बने रहिए, फिर आपको थोड़ी देर तक दिया। मैंने क्रस्ट फ्री एक ब्रेड ली है, ये वो ब्रेड है 50-50 की क्रस्ट फ्री, और ये जनाब मैंने इसके ऊपर कच्चा कीमा लगा के, और ये देखें जी ये मैंने साथ ये तिल लगाए हैं, ठीक है। ये मैंने जो अंडा फेंट के रखा था, ये जनाब मैं आप इसको इसके अंदर हल्का हल्का डिप करके, पीछे से अगर डिप करना है तो करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये वैसे तो कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो कीमा होता है चिकन का वो जल्दी गलता है, क्योंकि मैंने अभी जिस ऑयल में मैंने अभी वो फ्राई किया है चिकन के पीस, वही आपने उसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि जो कीमा होता है ना ये 2 मिनट में जो है ना हो जाता है। मतलब ये 2 मिनट में और लगाती हूँ, फिर मेरे साथ बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्नैकिंग के तौर पे यूज़ होता है, इस वक्त हमारा स्नैकिंग टाइम होता है और आपको पता है हम इतना ज़्यादा नहीं खाते। ये वो स्लाइस है जो मैंने अभी कीमा लगा के बनाया है, और साथ एक गरम गरम चाय का कप। ये डिलीशियस डिश जो है ये हमारी भाभी ने बनाई थी और उनको कॉपी हमने की है, और हमारी भाभी बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, और वो वीडियोज़ में इतना नहीं आती, लेकिन मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा प्रमोट और अप्रिशिएट और इनक्रेजिंग वही मुझे करती हैं, तो मैंने कहा आज उनकी डिश भी शेयर कर दूँ। तो इनशाला थोड़ी देर में मिलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं क्या खा रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। मैं फिर निकलने लगी हूँ, मैंने कहा ना हम लोग बहुत फिरते हैं, जब कभी मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं नहीं जाती नॉर्मली। ये आप देख रहे होंगे पीछे बिन आ रहे हैं, और ये बिन इस तरह है कि इतनी मुझे पीछे जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने बिन अपने घर के सामने ही रख ली, क्योंकि मेरे से नहीं पीछे जाया जाता। बहुत सर्दी है अभी तक देखें गाड़ियाँ फ्रीज हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं और दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं जी। बस अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, और आपको पता है काम कर कर के ना इंसान की बस हो जाती है। अभी भी आप पीछे देख रहे हैं खाने पक रहे हैं, और रात का खाना तो बनाया ही नहीं था, वो तो दोपहर की स्नैकिंग थी। तो इस वक्त मैं कोफ्ते आलू और चावल बना रही हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, मेरे साथ बने रहिए और थोड़ी देर तक भी। माशाल्लाह हमारा कोफ्ते आलू रेडी है, और इसके साथ हम वाइट राइस बना रहे हैं। दोपहर में हमारा स्नैकिंग मूड था, अब हमारा कुछ हैवी थोड़ा सा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी कोफ्ते आलू बन सकता है और मैं आप लोगों को कोफ्ते आलू बना के देती हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए अभी इस वक्त कोफ्ते आलू यानी मीट बॉल सालन बनाया है, और ये बहुत मज़े का बनता है। और कोफ्ते जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको पता है, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं या यहाँ के बॉन हैं वो कहते हैं जी मीट बॉल सालन, मीट बॉल ग्रेवी। तो वो मीट बॉल ग्रेवी आज बनी है और बहुत मज़े की बनी है, और ये वाइट राइस के साथ ही अच्छी लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह। अब बस आज ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि सुबह से आप मेरी रूटीन देख रहे हैं, कभी कहीं। आज तो भाग दौड़ ही लगी रही है, तो वैसे भी आज बाहर बहुत सर्दी है, इस वक्त -3 है बाहर, और यकीन माने हद हो गई है सर्दी की बाहर, यानी कि मुंह नहीं निकाला जा सकता, इवन कूड़ा भी फेंकने, वो जैसे घर का होता है ना रात को जब आप सफाई करते हो डस्टिंग करते हो तो बाहर बिन्स में वो कूड़ा या रबिश फेंकने जाते हो, तो वो भी फेंकने नहीं जाया जा रहा, इतनी बुरी हालत है। बंदा कहता है ना मुंह भी बाहर निकालो तो ऐसा लगता फ्रीज हो जाएगा, तो अजीब सी कंडीशन हुई हुई है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, और अल्लाह ताला सबके लिए मैं कहती हूँ वेदर भी नॉर्मल रखे, क्योंकि बाहर गरीब लोग भी होते हैं, बास जो बेचारे गरीब है वो बाहर सोते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। वेदर उतना ही खराब हो जितना कि अगले बेचारे बर्दाश्त कर सके। इस वक्त कोई भी चिरिंद परिंद बर्दाश्त नहीं कर सकता जितनी बार सर्दी है, -5, -6, -7, -4 इस तरह वेदर है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, और सब किसी के पीछे हमारे लिए भी आसानी करे, और बस दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत जल्द मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी और उसका वेट करें, और आप लोगों को बहुत आप
लोग इंजॉय करेंगे। और यही है, ये मेरी YouTube फैमिली अगर ये इंजॉय ना करे तो फिर काय काय का चैनल। तो इंशाल्लाह फिर कल एक नए दिन का आगाज करेंगे, एक नए दिन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और नई डिशेस के साथ और नए फिरने टुरने के साथ। मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम।